आंदोलन का कार्य चल रहा है। अस्तो मातते कमी है, संतो मातते कमी है, मृत्यु और मातम कमी है। ओम शांति शांति शांति। श्लोक हमें संदेश देता है कि हम और ज्ञान से ज्ञान की तरफ चले, मृत्यु से अमरता की तरफ चले, एवं कौशल से सब की तरफ चले। यह ज्योति जो अंधकार को मिटाता है, ज्ञान के प्रकाश जग को आलोकित करता है, यह इसका संदेश है, सूचक है। और हम लोग ईश्वर का आभार करते हैं कि हम सभी और ज्ञान से ज्ञान की तरफ चले, अंधकार से प्रकाश की तरफ चले। सम्मानित सभी अतिथियों के द्वारा श्री चंद्र की पर उस पर्व की प्रतिज्ञा की जा रही है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं इस पद से कि आज इस प्रकार में प्रेमचंद जी समारोह के अवसर पर हमारे के सभी सम्मानित अतिथिगण पहुंचे हुए हैं। अब सबसे पहले हमारे बीच महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी हमारे जो
बहुत ही खुशी का हम हमारे लिए एक आदमी जो आज के जीवन में इस तरह श्रोताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच अभी भी महाराज है आप लोग भी छोड़ दो, आपको फोटो लेना है। आप दोनों पास यहाँ रहिए, आप जाइए नीचे। देखने आ रहे हैं
बरेली महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से सबसे पहले अपने महाविद्यालय के न्यायाधीश सत्तरवीं सम्मेलन से कर और सभी अच्छे मामलों में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने वाले अपने प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का यह हिंदी विभाग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और उसके बाद हमारे ही महाविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य और जो अभी स्नातकोत्तर हिंदी विभाग चिंता मंदिर भागलपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं और पत्रकारिता तथा संचार संचार माध्यम कार्यक्रम के निदेशक भी वह अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच जो है उन्होंने हमें समय दिया है उपस्थित किया है, इसके लिए हम उनका हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर अंजनी कुमार है, इन्होंने टेंशन पर बहुत अच्छा कार्य किया है और टेंशन नहीं की डिस्टर्ब की रही है, टेंशन का अध्ययन माननीय स्वतंत्र रूप से करते रहते हैं और टेंशन के संबंध में अपने रोजगार हमारे भी बार बार प्रकट करते रहते हैं। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी हिंदी विभाग की ओर से बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाविद्यालय के मेरुदंड और बरकर प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार झा जी का जो उनकी यहाँ मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है और जिससे हमें संपर्क मिलता है कि हमें आर्थिक रूप से कोई भी परेशानी नहीं हो, जिसके लिए हम उनका हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार राजनीति विज्ञान विभाग के बहुत ही अच्छे विद्वान आचार्य हैं और साथ ही अच्छे वक्ता भी और साहित्यिक गतिविधियों में भी इनकी गहरी रुचि है। हम हिंदी विभाग की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस प्रोग्राम में विदुषी आचार्य हैं, हम सुंदर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विद्वत और पूजनीय आचार्यों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच छात्राएं हैं, छात्र हैं, मीडिया कर्मी हैं, एनएसएस के कार्यकर्ता हैं, एनसीसी के कार्यकर्ता हैं और सबका हिंदी विभाग जो है नारायण बरेली महाविद्यालय का हिंदी विभाग जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर का। शंकर जी की पंक्ति है, जय हो जग में चले जहां भी नमन पुनीत अनंत को, जय हो जग में चले जहां भी नमन पुनीत अनंत को, जिस नर में भी बसे हमारे को, किसी वृंद पर खिले फिर में, किसी वृंद पर खिले फिर में पर नमस्त है बोल, सुधी खोज से नहीं गुरु का आदि शक्ति का। हमारे बीच सभी सामान्य अतिथि हैं और हम लोग आज प्रेमचंद जयंती समारोह के शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। प्रेमचंद के नाम से कौन नहीं वाकिफ, कौन ऐसा है जो प्रेमचंद को नहीं जानते हैं। हम संक्षेप में सिर्फ आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उद्धरण को कहना चाहेंगे कि उन्होंने लिखा है कि अगर आप उत्तर भारत के लोगों के आचार व्यवहार भाषा भाव
उसी काल से ही रचनाकार प्रेमचंद को हम याद कर रहे हैं, उसकी जन्मतिथि को हम लोग मना रहे हैं, आप उसकी सम्मान में यह समारोह है। तो हमारे बीच विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रोफेसर आलोक कुमार चौबे जी मौजूद हैं, और मेरे हिसाब से प्रेमचंद के हुए चलता फिरता पत्र पूछ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया आए और प्रेमचंद परमाचार्य हमारे प्रधानाचार्य सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि मन पर बैठे हुए संजय जी मनोज बाबू हमारे विभाग के सदस्य डॉक्टर सुबोध भट्ट डॉक्टर देवासी उपस्थित छात्रगण मीडियाकर्मी और हमारे कर्मचारी मैं आज अपने को बहुत बड़ा भाग्य महसूस कर रहा हूँ। इस महाविद्यालय में विगत 37 वर्षों से अपने कार्य को करते करते पर महान आत्मा हिंदी के कथा शिल्पी प्रेमचंद को विशेष रूप से याद करते हैं। सामान्य तौर पर प्रेमचंद हमारे पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग हैं, उनके बिना हमारा हिंदी साहित्य बहुत अधूरा है। इतना ही नहीं, हम पाठ्यक्रम में जो पढ़ाते हैं वहां भी कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद जीवन की शक्ति के रूप में, विचारों की शक्ति के रूप में, संघर्ष के शक्ति के रूप में और जीवन के परिवर्तन को लक्ष्य करने की शक्ति के रूप में हमारे सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाए, इसी आधार पर हम प्रेमचंद को पढ़ाते हैं। प्रेमचंद हमारी मजबूरी नहीं, प्रेमचंद हमारे जीवन के अनिवार्य अंग है। उनके बिना यह देश आज भी गूंगा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रेमचंद उस ब्रिटिश काल में आजादी के वर्षों को जब देश को बोलना सिखाया था, लड़ना सिखाया था, अपने जीवन की स्तर को ऊंचा उठाने के किसी संसाधन के बिना अपने जीवन को उन्नत करने का रास्ता बताया था। यह देश अंग्रेजों के शासन काल में कितना पीड़ित था, कितना संघर्षरत था, यह सब जानते हैं। इतिहास में इस बात का दर्द है, लेकिन कोई इतिहास का दर्द नहीं कर पाया कि प्रेमचंद की कलम ने इस देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक आत्मा अपनी रचनाओं से छूने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया, प्रेमचंद सफल भी हुए। और प्रेमचंद की कहानियां इतनी खतरनाक लगने लगी शासन को, उनकी कहानियों को जर्ज करना शुरू कर दिया। मित्रों, में कहना चाहता हूं, पढ़ाते तो बड़े बड़े महान कवियों को, लेखकों को, लेकिन प्रेमचंद को पढ़ाना, उनको जीवन में उतारना और उनके बताए हुए रास्ते पर जीवन को चलना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रेमचंद ने इस देश को रास्ता बताने का प्रयास किया। जीवन की शक्ति उन्होंने समाज से पाई और समाज को एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और संघर्ष के एक नए लेवल उन्होंने प्रदान किए थे। आज हम फिर ये चाहते हैं कि समाज में प्रेमचंद की रचनाओं को बार बार पढ़ी जाए, गांव के
चिंतन आज भी जीवन के बोध में एक खतरनाक और एक क्रांतिकारी परिवर्तन के स्वर निर्गत करते हैं। रचनाएं ऊपर से ठंडी मालूम पड़ती हैं, लेकिन जरा सा रचनाओं को कुरेदने पर पता चलता है कि उसके भीतर जीवन की जीवित आग छिपी होती है। उस आग को जिसने भी पाया उसके जीवन को बदलने में देर नहीं लगी। प्रेमचंद आजादी नहीं चाहते थे, मुक्ति चाहते, और प्रेमचंद की मुक्ति का रास्ता उन्होंने जीवन से ही खोजा था। जीवन की रास्तों से ही जीवन की मुक्ति का विधान बनाने वाला हिंदी में कोई दूसरा लेखक नहीं आ सकता। और हम चाहते हैं कि प्रेमचंद इस जयंती के बहाने ही सही, लेकिन हमारे समाज के बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, समूह के स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, क्योंकि प्रेमचंद इस देश के शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो, शायद ही कोई जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, वर्ग हो, जिसको उन्होंने जगाने का काम न किया। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूँ कि प्रेमचंद को पढ़े, सुने और उनके बताए हुए जीवन के रास्तों पर चले, इसके लिए गोष्ठी आज आयोजित हो रही है। क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम कुछ विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए मैं संक्षेप में इन बातों को रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सरकार, आपने विषय प्रवेश के माध्यम से प्रेमचंद के बारे में बताने का प्रयास किया, और संक्षेप में सिर्फ इतना ही है कि प्रेमचंद को हम पढ़ें, समझें और जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। बहुत बहुत आभार सरकार। हमारे बीच अर्थात विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार हार्दिक सर उपस्थित हैं, लेकिन साहित्य का अगर पाठ होता है उनसे आग्रह है कृपया आए और इस अवसर पर दो सप्ताह के पाठ संजय परमानंद के प्रधानाचार्य महोदय, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे बड़े भाई प्रोफेसर योगेंद्र जी, मंच पर उपस्थित राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष मनोज बाबू, हिंदी विभाग की एमबी कॉलेज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार चौबे जी, और श्री सुबोध मंडल जी जो कि अब नए विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग के होंगे, प्रोफेसर देवासी जी, नवीन जी यहाँ उपस्थित, हमारे मित्र बंधुगण, छात्रों, मीडिया के आए हुए कर्मीगण एवं डीएनवी महाविद्यालय के कर्मचारी कर्मचारियों, आज प्रेमचंद की जयंती है और एक अत्यंत ही हम लोगों के लिए दुखद भी अवसर हो रहा है। आज हमारे बीच प्रोफेसर आलोक कुमार चौधरी जी सेवा निवृत्त हो रहे हैं। आलोक कुमार चौधरी जी ने शुरू से लेकर अभी तक डीएनवी कॉलेज में अपनी सेवा प्रदान की है। इनका इनके सेवाकाल में मैं जब से डीएनवी कॉलेज में आया हूँ, बराबर देखता हूँ कि प्रेमचंद की जयंती को बहुत ही बढ़िया ढंग से मनाया जाता है। प्रेमचंद के बारे में क्या कहना है, वो तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो आज भी सम्यक हैं, आज भी समीन हैं और वो जीवन में उतारने वाली बातें। प्रोफेसर आलोक कुमार चौधरी जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि प्रेमचंद जयंती के माध्यम से वे प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय परिवार में इस क्षण का आयोजन करते आ रहे हैं। लेकिन यह समय का चक्र है, जो सर्विस में आया है उसे रिटायर होना है, सेवानिवृत्त होना है, लेकिन यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत लॉस है कि इतने महान व्यक्तित्व आज हमारे परिवार के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय परिवार बहुत मनमोहर है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज प्रेमचंद जयंती, प्रेमचंद जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें,
यही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। आज जो भ्रष्टाचार की समस्या है इसके बारे में बहुत ही उन्होंने सम्यक चित्रण बहुत पहले अपने उपन्यास के माध्यम से कर दिया है। इसीलिए यदि उनके बताए रास्ते पर हम चले तो समाज की कुरूतियाँ दूर हो सकती हैं। इतना कहकर मैं सही वाली को विराम देता हूँ। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सरकार प्रेमचंद से लेकर आज हमारे विधायक हैं महोदय की जो विधायी है उनसे भी कुछ बोले और जब वो बोल दिए मुझे वह पल पल याद आता है कि दो वर्ष पहले मैं यहाँ योगदान किया और वहाँ से लेकर आज तक की यात्रा है उनके बारे में मैं कितना कह सकता हूँ। तो ऊपर की व्यक्ति है क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं है जीत में संघर्ष पथ पर जो मिला सही है। इतना ही कहना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को बार बार सलाम है। अब हमारे मंच पर प्रोफेसर मनोज कुमार मौजूद हैं और उनके बारे में सब जानते हैं कि सभी विषयों पर उनका समान अधिकार है। वो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं लेकिन साहित्य और राजनीति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है। प्रेमचंद जी को हमने जन्म कर लिखा है पर और मैं चाहता हूँ कि अपने मुखारविंद से हम सभी का अपनी बातों से कुछ ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय मनोज धन्यवाद। आपने संपर्क करने का हमें मौका दिया। मुझे फूलों के बादल से हवा से चोट लगती है। मुझे फूलों से हवा से चोट लगती है। अदब आदत है अपनी को पापा से चोट लगती है। अदब आदत है अपनी को पापा से। डॉक्टर आलोक स्वामी जी की वफादारी इस साहित्य और शिक्षा के मंदिर से उनका लगा क्या उन्हें सटी सेवा के उन्हें देता ना करा दी है। किंतु शिक्षक कभी भी सेवा निवृत्त नहीं होता। कार्यालय उन्हें भले ही मुक्त कर दे वर्ग की विवरणिका भले ही उन्हें मुक्त कर दे कार्य तालिका के अंकित नाम में भले ही उनके नाम की मिल जाए लेकिन शिक्षक समाज का सर्जक होता है। शिक्षक समाज का होता है। सृजन किताब पर समृद्ध परंपरा शिक्षक के साथ मिल रही है। हम आचार्य राधाकृष्ण की परंपरा करते हैं जहां हम शिक्षक के रूप में अपने दायित्व के निर्वहन आजीवन करने के लिए अपने आप को संबोधित किए हुए हैं। आए सबसे पहले मैं महाविद्यालय के जनपद की प्रधानाचार्य डॉक्टर डॉक्टर सुंदर कुमार चौधरी जी का अभिवादन करता हूँ। इसी तरह की गतिविधियाँ जो महाविद्यालय में अनवरत चल रही है वो आपकी प्रेरणा से चल रही है। सर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भागीरथी का स्वर्णिम तट आपकी कर्मभूमि रही है। भागीरथी का स्वर्णिम तट आपकी कर्मभूमि रही है। बच्चों के लिए विशेष समझे कि आज से लगभग 40 वर्ष पहले जहाँ पर मैं समझता हूँ सर किसी तरह से आपके प्रसाद में विद्यार्थी के रूप में बैठा करते थे और अपने श्रम साधना अपने सकारात्मक सोच अपने विशेष लगाव से एक छात्र एक सुधार्थी एक शिक्षक एक प्रधानाचार और एक कुलपति की सुखद यात्रा जो आपने तय की है मास्टर पति ये सुख सबको प्रदान करे मैं ऐसी कामनाएं उनसे करता हूँ। बहुत बहुत डॉक्टर योगेंद्र किसी परिचय के मुताल नहीं मित्रों प्रतिभा परिचय का मुताल नहीं वो सुगंध की धारा जो प्रतिभा की होती है बहुत सारे लोगों को सुभाषित करती है और मैं जोगेंद्र जी को एक अच्छे इंसान के रूप में एक अच्छे शिक्षक छात्र और सुभाषी के रूप में एक अच्छे प्रशासक के रूप में तो पाता ही हूँ लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको पाता हूँ। मैं ऐसे सरस्वती पुत्र का इस मंच पर अभिवादन करता हूँ। आपका अपने ही घर में तक आपका स्वागत है। अभिवादन करते हुए मैं अपने को आभारी महसूस कर रहा हूँ। जैसा नाम वैसा कर अंजलि जी अंजलि कुमार राय जी एक ऐसे योग्य पिता के संतान हैं जिन्होंने विरासत में साहित्य को पाया। प्रोफेसर स्मृति से डॉक्टर शिवालय राय जी की परिचय के मुताबिक 5 साल में ये
केवल प्रदेश का बल्कि अखंड भारत का जो मान वर्धन किया है, ऐसे घर में आपने अपने पांव पसारे और उनकी कृति पताका को आपने आगे फैलाया। मैं ऐसे अप्रति देश पिता का अभिवादन करता हूँ और ऐसे पुत्र के दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस प्रति आपने ऐसी असीम शक्ति दे कि आप ऐसे ही अपने पिता पर अखंड प्रदेश का मान वर्धन करते रहे। दिवाकर की स्वर्ण पश्चिमियों के आलोक के आलोक हमारे अग्रज आलोक बाबू जी सर, इस बात को आप मान लें कि आप कभी सेवानिवृत्त नहीं हुए, शिक्षा का चिकित्सक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं हुए। दायित्व बोध आपका जो समाज के रूप है, आप मैंने बहुत करीब से देखा है। जब सिक्का सर की नीचे चंद्री कितना सुखद वर्ष होता है, जीवन का सातवां दशक, 65 वर्ष की लंबी अवधि, साहित्य व संस्कृति की सेवा करते हुए आप बस इस पर यही प्रार्थना है कितनी शक्ति हमें देना चाहता है।
आदरणीय और हमारे मनोज और हमारे सहकर्मी महाविद्यालय में इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद हैं, उन सभी को हमारी बधाई है। पहली जो इसका दो पार्ट है, 4 जुलाई 2021 को हमारे परम प्रिय मित्र आनंद चौड़े की सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आनंद जी और हम करीब करीब अपने शिक्षण यात्रा की कई समय में प्रारंभ, मैं 1983 के फरवरी में आया, चाहिए 1984 में आए, हम लोग एक ही महीने से नियुक्त हैं। और आनंद जी पटना साहिब है, पटना विश्वविद्यालय, हम गया पटना जरा जी पूर्णतः गया कराने वाले हैं। पटना में हम उस समय ये जो परीक्षा ले रहे थे पाठ्यक्रम सेवाओं का, तो उसी समय आलोक जी वो साहित्य के प्रति एक समर्पित व्यक्ति हैं, एक सफल शिक्षक हैं और प्रतिष्ठा है, क्योंकि व्यवहार पर उन्होंने बहुत सफल से हम लोग से बहुत कृषि विभाग से मेरा विशेष अलावा अंजलि बाबू की सॉरी अंजलि बाबू का दौरी सही किए, अंजलि बाबू हमारे सेवानिवृत्त हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में समझ और हमको बहुत अनुभव सुना हर की घटना और मुझे बहुत आशा है। वो सब कुछ चीज है जिस पर हम नियंत्रण नहीं है, तो कृषि विभाग सकता है जिस हिसाब से समझा कोई ऐसा प्रबंधन नहीं हो, कृषि जयंती हो या बहुत सारा जिसमें हम मौजूद न हो और हमको संबोधित करने के लिए आगे, इसके लिए आपका कृषि विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के हमारे नए शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और हम और आप लोगों का सहयोग अच्छा रहेगा। और योगेंद्र जी भी आप चले गए हैं और वहाँ बहुत सारे आयोजन करते रहते हैं, साहित्य एक साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं और इनकी फेसबुक के कॉलम से इनकी साहित्यिक योगदान और इनकी साहित्यिक गतिविधियों से मैं ध्रुव बन पूछता रहता हूँ, ऐसा मैं भी लिखता रहता हूँ। तो योगेंद्र आलोक जी उनके सेहत और उनके आने वाले स्वर्णिम भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अब आपका क्रिकेट में जो सेकंड इनिंग की बात कही गई है, जीवन की इस खेला में सेकंड इनिंग आपका प्रारंभ होने जा रहा है, आप भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सही होइए, आपने हैप्पीनेस को और अपने समस्याएं कैसा सामान्य व्यवस्था थी, जो है
प्रेमचंद के का वर्णन किया है, प्रेमचंद से उनकी तुलना की जा सकती है और प्रेमचंद जी ग्रामीण भारत का उस समय के समकालीन भारत का आजादी के पहले का भारत का समाजवादी व्यवस्था में मौजूद भारत का जो उन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया है वो दूसरे साहित्यों को भी प्रेरित करता है, चाहे वो शोध हो या लेखन। और हमारे आलोक जी को इधर दो साल से हम लोग नहीं कर रहे थे हमारे टीचर लेकर, क्योंकि बहुत कुछ समय रिटायर नहीं किए और कोरोना का जो आक्रमण हुआ तो इतने साल में नहीं कर पाए। इस बार 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे, उस अवसर पर एक सेमिनार का भी आयोजन होगा और हमारे जो निवक तमाम जो हमारे शिक्षक हैं इस समय बहुत सजग हो गए हैं तो उन सभी को हम लोग ऑनर करेंगे। ये तो हमारे एजेंडा जिसकी तैयारी मानसिक रूप से शुरू हो चुकी है, ये अनुभव भी है और हम लोगों का डिस्कशन भी हो गया है। तो ये आपकी अपनी आमंत्रित करने के बाद ही है और आप यही रहेंगे उम्मीद है और आपका आमंत्रण भेजेंगे भी। तो प्रेमचंद पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे हमारे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके उनके बातों से हम लाभान्वित होना चाहते हैं और आपने इस अवसर पर एक साहित्य के अनुरागी होने के कारण चाहे लोग अनुरागी के प्रति इस प्रकार का उपाग्रह करते हैं कि जैसे कि वो 24 घंटा वो अंग्रेजी का शिक्षक वो हिंदी नहीं बोलता है अपने व्यक्तिगत जीवन में और अंग्रेजी का ही गुणान करता है, ये व्यापार से बहुत दूर है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि अंग्रेजी का कम से कम 10-50% रहते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है और ज्ञान में पुरस्कार पाया है और बहुत हजारों शिक्षक हैं जो हिंदी साहित्य हिंदी कविता में रुचि भी है। हम उससे बड़े नहीं है लेकिन हमारे लिए हिंदी साहित्य को हम चूंकि दिल की भाषा है इसलिए हम मानते हैं कि एक महान साहित्य है और उनका कोई अनादर अपमान नहीं होता है। तो आपने इस अवसर पर मुझे ये जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत हम आपके कृतज्ञ रहेंगे, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सरकार कि आपने विशेष ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। आज प्रेमचंद जयंती समारोह के शुभ अवसर पर हमारे दो मुख्य वक्ता हैं, एक स्नातकोत्तर हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र सर हैं, दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनी कुमार हैं। मैं इनको बुलाने के पहले क्या कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति है इस स्थिति में प्रेमचंद क्यों प्रासंगिक हैं, क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज आदमी में जहर इतना भर गया है, आज आदमी में जहर इतना भर गया है, सुना है आदमी के काटने से घर बन गया है, आज ये स्थिति बन गई है और ऐसे समय में प्रेमचंद को याद करना पढ़ना बहुत जरूरी है। उनका साहित्य हमें संस्कारित करता है, नई दिशा देता है, नया पर की तरफ ले जाता है। तो मैं सबसे पहले चुकी सर को कहीं बाहर जाना है, ऐसी परिस्थिति में प्रोफेसर योगेंद्र सर जो कि स्नातकोत्तर हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया आए, जो कि प्रेमचंद से कहना कहता है और उनके वाणी से जो लाभान्वित होंगे उनसे आकर कृपया आए तो सब कहने के बाद विभाग के अध्यक्ष आलोक चौबे जी, हमारे तीन विभागाध्यक्ष हैं और जानवे से लेकर 2020 तक फरवरी 20 तक मैं यही था। मुझे कॉलेज में हमारा मेरी पढ़ाई लिखाई भी कॉलेज में हुई है, 374 में साइंस पढ़ने आया, आई सी पैनल भी 2 वर्षों के बाद
जो बोलते हैं कहानी सक्रिय अंग्रेजों ने
को मारता है, छोटा करता है और अंत के सोच को बर्बाद करता है। भारत का धर्म कमजोर है तो जाति के कारण कमजोर है, लेकिन जाति तक ही नहीं सकती। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, सेंचर का सपना, महात्मा गांधी का सपना, महात्मा बुद्ध का सपना, वो तमाम सपने आज भी हम लोगों से मांग करती है कि जो देश बनेगा आगे वह कैसा देश होगा। जो राजनीति है जाति से भरी हुई है, जो शिक्षा का तंत्र है जातिवाद से अलग नहीं है, जो लेखन हो रहा है उस पर भी आप देखिएगा जातीय तंत्र, जातीय अहंकार, जातीय सब में नजर आता है। प्रेमचंद ने सीरिया के माध्यम से जो चुनौती दी उभरेगा, कब अपने बारे में सोचेगा। हर वर्ष 10% गाँव में समाप्त जा रही है, सड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है, घरों की फौज बढ़ती जा रही है और सरकार को देश को बुद्धिजीवी को समझ में आ रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है इसको कहां रखें। प्रेमचंद से बात करते हुए देश के बारे में, समाज के बारे में, उन तमाम लोगों के बारे में आपको बोलना होगा तो आपके सामने है। 2021 में अगर प्रेमचंद प्रासंगिक नहीं है, अगर प्रेमचंद की जिंदगी में जो सोच जो प्रासंगिक नहीं है, प्रेमचंद को पढ़ने की जरूरत है। प्रेमचंद की जरूरत इसलिए है, उन्होंने जो कुछ कहा जैसे कहा गया क्या नाम देने की कृपा करें ताकि हम लाभान्वित हो सकें। अंदर ही वापस
विराजमान सभी शिक्षक वृंद, बचपन से रहते हुए मनोज बाबू, आलोक जी, सौंदर जी, अंग्रेजी की विद्वान मिथिलेश कुमार जी, दर्शन की विदुषी इंदिरा देवी जी और सभी दर्शन शिक्षक का मैं अभिवादन करता हूँ कि जितने भी शिक्षक आए हैं उनके आने वाले से किस वातावरण का हिस्सा हो गए हैं। उनके लिए ऐसी आचार है अनुप्रेरणा कि मेरे शिक्षकों को देखने का भी कार्य होता है, उनको देखने से आचार है पर मतलब वो समझते हैं कि बार का हाल रखता है। तो आज प्रेरित की गहरी है और आलोक बाबू सही 30 वर्ष 7 महीने का कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लिया है। आलोक बाबू का चरित्र विशिष्ट बात है, वैसे प्रधानाचार्य कालिक के विराजमान हैं और आलोक जी के साथ काम करने वाले पुराने सभी सभी शिक्षक अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आलोक जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है, किसी भी व्यक्ति का क्लास अगर विलंब से शुरू होता था आलोक जी को उस पास में चले जाते थे, उस शिक्षक को आने में विलंब होता था आलोक तक पाते। अगर दो फेर थोड़ा उसी जगह है तब आलोक जी की जन्म से करते थे, आप तो आज में नहीं कहेंगे मैं चिकट गेट करता से दादा क्या पकड़ रही है क्लास के विलंब उनका पता नहीं आ रहा तो इज्जत दे रहे मेहता साहब के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ।
जो किया
बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों के गीत गाते हैं,
ही विवादास्पद है। और विवादास्पद किस लिए है, मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि प्रेम दर्शन की समारोह है, उसके नकारात्मक पक्ष को भी रखना पड़ेगा। प्रेम जब तो लोग ब्राह्मण ब्राह्मण विरोधी करते हैं, दलित दलित विरोधी करते हैं, अगर वो ब्राह्मण विरोधी होते, अगर वह दलित विरोधी होते तो आज प्रेम जब नहीं होते को और भारत को आपकी और 1926 का हिंदुस्तान नहीं है।
पर जीतता है और समय के साथ सब चीज बदलता है तो अच्छा होता है। सभी चीज समय के साथ बदलना चाहिए। समय ही एक ऐसा चीज है जो चाहता नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहिए। सभी लोग कांग्रेस किए हैं। आप गांव में पहले बचपन में जो देखते उठेगा, आज जो गांव देखते उठेगा, उसमें ग्राफ चेंज है और अब एक ऐसा माहौल बनेगा आगे चल के जो भी रिटायर्ड लोग होंगे वो अपने गांव में बसे कि पॉपुलेशन जब किसी शहर से आप बढ़ता जा रहा है, जमीन का दाम भी बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन से भी बढ़ रहा है। ये सब एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का लक्षण है और हमारे शिक्षक संघ में जो सचिव है हमारे साथ में और अध्यक्ष साहब भैया है बोला था चार दिन पहले कैंसर का उनकी जयंती में रहे नहीं कहते लेकिन शिक्षक संघ से रिटायर्ड है उस दिन शिक्षक संघ को जरूर रहना चाहिए क्योंकि वो उसका प्रतिनिधि होता है। और इस कॉलेज को मैं देख रहा हूँ कि हम मेरा लगभग एक आध दो महीने में चार साल होगा या
कदम आगे बढ़ेंगे गॉड विल हेल्प यू। हमें अभी बताया गया बेरोजगारी बाढ़ बनने जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट किसी को रोजगार देने के लिए कोई पोटेंशियल उसमें साइन नहीं होता है। अच्छा नागरिक बनना है, सच्चा नागरिक बनना है, किसी की पढ़ाई कॉलेज में होती है और होना चाहिए। प्लेसमेंट इज नॉट Yeah.
इतना निकल मैं तो 50 से कम नहीं खाया हूँ। मैं तो अच्छा पढ़ता था, तू
यीशु और मादर हम मधुशाला के पास पहुंच रहे हैं जहां वो कफन के बदले शराब की मांग कर रहे हैं। मधुशाला का दृश्य है जहाँ दो चार पांच लेकर बैठे हुए हैं। कमाई है
हम लोग का साक्ष्य है कि आप अपने मौत के सरदारियों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बहुत बेहतरीन मौत की माता है, इनसे हम लोग एक बार औषधि का आनंद ले चुके हैं।
Thank you.
है।
हिंदी साहित्य में बृहद योगदान ऐसे लेखकों की संख्या चंद है जो है इनके शिरोमणि, जो है इनके शिरोमणि जगत प्रसार के अभिनय प्रेमचंद है। सुप्रिया आनंद के द्वारा ईश्वर